अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ इकरा ज़ीशान एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल डाइन एंड शाइन विद आईजी। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द ग्रीन लाइन ट्रेन फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची बिजनेस क्लास। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। So guys, this is the main entrance and there are two washrooms, one outside and one inside. So this is the corridor and these are the cabins. The fare for one person is 6,500. कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं आप रीड कर लें, और साथ ही मैं वॉशरूम का रिव्यू देना चाहूँगी कि वॉशरूम की मैंने वीडियो तो क्लिक नहीं की, लेकिन वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। उसमें डस्टबिन है, उसमें एक लिक्विड हैंड वॉश है, प्लस उसमें पानी है और बहुत साफ़ सुथरा है बाकी ट्रेन्स की निस्बत। क्योंकि मैंने खैबर मेल और तेज़गाम में भी सफ़र किया, लेकिन उसमें मुझे ना कोई सोप ना कोई डस्टबिन नज़र आया, ना ही पानी होता है। गाइज, ये है केबिन जो कि आपको पता है बिज़नेस क्लास में जो है वो 6 लोगों के लिए केबिन होता है। और इनमें जो चीज़ें हैं उसमें एक लाइट है, एक फ़ैन है, एसी है, और साथ में ये एलईडी भी चल रही है, बड़ी बात है। प्लस इसमें लाइट ऑन ऑफ का बटन है, और ये एक बटन है जो कि बेल का काम करता है। अगर आपको किसी को बुलाना हो स्टाफ में से तो आप उन्हें बुला सकते हैं। प्लस ये जगह है जहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हैं, अपना सामान, अपना बैगेज रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक टेबल है जहाँ पे आप खाना खाएं या फिर अपना लैपटॉप रख के यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये चार्जिंग पॉइंट है, ये कोई वॉल्यूम का बटन है, साथ में यहाँ पे डस्टबिन भी है। तो गाइस, ये है हमारी शाम की चाय, और साथ में उन्होंने पर पर्सन एक बॉटल पानी की 500 ml की दी है, और टीवी का रिमोट भी दिया है। साथ में इन्होंने एक स्नैक में 2 cupcakes दिए थे। ये इनकी कॉम्प्लीमेंट्री किट है जिसमें एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, एक इरेज़र, शू क्लॉथ और एक कॉम है, और वेट टिश्यूज़ हैं। सो गाइस, अगर स्पीड की बात की जाए तो ये ट्रेन बाकी ट्रेन्स की निस्बत फास्ट है, और इसको नॉन स्टॉप ट्रेन बोलते हैं क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा स्टॉप्स नहीं हैं, और ये आपको बाकी ट्रेन्स की निस्बत जल्दी पहुंचा देती है। सो ये लाहौर का स्टेशन है, लाहौर जंक्शन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और बस यहाँ पे ज़्यादा स्टे होता है इस ट्रेन का, और किसी भी ट्रेन का लाहौर में ज़्यादा स्टे होता है, क्योंकि खाने की चीज़ें वहाँ से ही ली जाती हैं, पानी वहाँ से लिया जाता है। सो यहाँ पे शायद 20 से 25 मिनट का स्टे होता है। डिनर में इन्होंने रायता और साथ में ये प्लेटर दिया था जिसमें कि चिकन था, दाल, 2 नान और राइस थे, और साथ में थोड़ा सा हलवा। सो गाइस, अब मॉर्निंग हो चुकी है, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस था। मुझे नहीं पता ये क्या है, आई थिंक ये कोई रिवर था या क्या था, मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ गलत नॉलेज नहीं देना चाहती। सो बहुत प्यारा व्यू था, तो मैंने इसकी भी वीडियो क्लिक करी। सो मॉर्निंग हो चुकी है, और आई थिंक हम लोग तो करीब ही पहुंच चुके हैं। नाश्ता आ चुका है, और नाश्ते में है 2 ब्रेड के पीस, ऑमलेट और बटर जैम और चाय।
सो ये मिनी लाइट्स काम नहीं कर रही थी, ये छोटी सी प्रॉब्लम थी। सो हम लोग हैदराबाद पहुंच गए थे, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से। सो ये था छोटा सा एक रिव्यू इस ट्रेन से रिलेटेड। तो आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा हो। मैं इस ट्रेन को रेकमेंड करूँगी क्योंकि बाकी ट्रेन्स की निस्बत मुझे ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।